नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर, बिहार का जल संसाधन विभाग हुआ हाईटेक। बिहार के 18 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में हुआ अनोखा खेल, 1.5 लाख का बालू बिका 1 करोड़ में। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के विभिन्न जिलों में पीटी शिक्षकों के पद को मिलेगी मंजूरी। बिहार में मध्य शिक्षकों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की तैयारी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से पहले चरण की नियुक्ति होगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की पद स्थापना के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में शारीरिक शिक्षकों के केवल 2800 पद स्वीकृत है। हाल ही में राज्य सरकार ने 8386 पद सृजित किए हैं। इनकी जिलावार संख्या अब निर्धारित की जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अरवल, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, वैशाली और पश्चिम चंपारण में अभी एक भी शारीरिक शिक्षकों का पदस्थ मंजूर नहीं था। बिहार का जल संसाधन विभाग हुआ हाईटेक। बिहार का जल संसाधन विभाग अब हाईटेक हो गया है, क्योंकि जल संसाधन विभाग में बुधवार से ई ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया गया। ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन सूचना एवं जनसंपर्क सह जिला संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से विभाग के काम में पारदर्शिता बढ़ने वाली है, साथ ही जरूरी कागजातों और फाइलों का कम समय में निष्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब सीएम ऑफिस तक में टाइपराइटर से काम होता था। पिछले 1.5 दशक में ई गवर्नेंस की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। महिलाओं ने वैक्सीनेशन लेने में पुरुषों को पछाड़ा। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में महिलाओं की वैक्सीनेटेड होने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में महिलाओं की सक्रियता का ही नतीजा है कि बिहार देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। देश भर में वैक्सीनेशन की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को लगभग 3.5 करोड़ कम डोज पड़ा है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लगभग 27 लाख से अधिक डोज लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक 11,86,37,973 वैक्सीनेशन हुए हैं, जिसमें पुरुषों का 5,76,31,749 वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि महिलाओं के वैक्सीनेशन की संख्या 6,24,07,584 है। बिहार के 18 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 53 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बिहार में 24 घंटे में 1,27,836 लोगों की जांच हुई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में बिहार के 18 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिला। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 से नीचे आ गई है। वहीं 129 लोग इससे स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अधिक मरीज पटना में मिले हैं। पटना में 12 नए, सहरसा में 8, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 1, दरभंगा में 4, ईस्ट चंपारण में 2, गया में और जहानाबाद में 1-1 केस मिले हैं। वहीं कटिहार में 7, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नवादा में 1, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 1 और शेखपुरा में 2 मरीज मिले हैं। आज से 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के मौसम में गुरुवार से बदलाव देखने को मिलने वाला है। बुधवार की बात करें तो प्रदेश में हवा का रुख पछुआ से पूर्वी हो गया। बिहार में पछुआ हवा की जगह दक्षिण पूर्वी हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इस वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। गुरुवार की शाम से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पटना समेत राज्य के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी के साथ बादलों की गरज और बिजली चमकेगी। पहले दिन इतने अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश को नए प्राथमिक शिक्षक मिले हैं। 2.5 साल से चल रहे 6ठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के तहत बीते शाम 6 बजे तक 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। हालांकि कई नियोजन इकाइयों में देर रात तक नियुक्ति पत्र बांटने का काम जारी रहा, जिसके बाद ही कुल 42,047 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सभी को 26 फरवरी तक हर हाल में नियुक्ति पत्र देने का काम करना ही होगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी ताकत लगाकर शिक्षक नियोजन को नियुक्ति तक पहुंचाया है। जब तक सभी नियुक्ति पत्र बांट नहीं दिए जाते, तब तक ये कवायद जारी रहेगी। नवनियुक्त शिक्षक तत्काल योगदान कर सकते हैं। हॉर्स एंड बैंड शो के जरिए पब्लिक के करीब पहुंचेगी बिहार पुलिस।
पुलिस सप्ताह के तहत अगले 4 दिनों तक शहर के अलग अलग जगहों पर हॉर्स और बैंड शो के साथ दौड़ और नुक्कड़ नाटक का आयोजन होने वाला है। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संवाद और तालमेल बढ़ाने के ख्याल से बिहार पुलिस की तरफ से इसका आयोजन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस की तरफ से इसका आयोजन किया जाना है और पुलिस मुख्यालय की माने तो गुरुवार को शाम 4 बजे गांधी मैदान में बैंड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी 1 और 5 की तरफ से लोगों के लिए बैंड शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे पटना वुमेन्स कॉलेज में 103 साल पुराने अश्वारोही बल द्वारा हॉर्स शो का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 26 फरवरी को शाम 4 बजे वेटरनरी कॉलेज में भी यही प्रस्तुति होगी। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी दर। बिहार में बेरोजगारी दर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर पहले से ही घिरी बिहार के नीतीश सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं बिहार के युवाओं के सामने भी रोजगार की तलाश करना एक बड़ी समस्या बन गई है। आलम कुछ यूं है कि पिछले साल की तुलना में 4 गुना अधिक बेरोजगारों ने निबंधन पोर्टल पर अपना निबंधन करवाया है। कोरोना काल में वैसे ही बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना काल में देश विदेश की कंपनियों से बेरोजगार के निबंधन पोर्टल पर निबंधन करते देखा गया है। रोजगार मांगने वालों में बेरोजगारों के साथ ही कुछ स्वरोजगार कर रहे लोग भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि निबंधन करने वालों में से एक भी छात्र ऐसे नहीं है जो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मांग रहे हों। बिहार में हुआ अनोखा खेल, 1.5 लाख का बालू बिका 1 करोड़ में। 5 प्रतिद्वंदियों के बीच शुरू हुए मूछ की लड़ाई का परिणाम ये रहा कि बिहार में बालू की नीलामी में खनन विभाग मालामाल हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते दिन विभाग ने अवैध खनन से जब्त 3,882 CFT लाल बालू का बेस प्राइस 1,59,162 रुपए तय किया था, जिसके बाद ही इसे खरीदने को 5 लोगों ने निविदा भी डाली थी। इसी कड़ी में बुधवार को बोली लगाने के लिए 5 लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी बढ़ चढ़कर ऐसे बोली लगाने लगे कि रकम अंत में 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई। उच्चतम बोली यानी कि 65 गुना अधिक कीमत में बालू खरीदकर भोलू भुवराज इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आनंद कुमार सिंह कलेक्ट्रेट से शान से निकलते दिखे। बालू की यह खेप सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के मानुपुर NH-19 के किनारे रखी गई है। बिहार में 5 शहरों के बीच जल्द ही शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों के पहुंचने की सुविधा के मद्देनजर इन्हें हवाई मार्ग से जोड़े जाने की तैयारी हो रही है। उड़ान सेवा के तहत बिहार के 5 जिलों को एक साथ जोड़ने का काम हो रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस सेवा के तहत वैशाली को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर हवाई अड्डे को भी विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर पहल की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसके बाद ही अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें आर्थिक और तकनीकी सहयोग करने जा रहा है। नेशनल हेलीकॉप्टर सेवा से बिहार के वैशाली, पटना, गया, राजगीर और बोधगया के साथ ही यूपी के वाराणसी और कुशीनगर को भी इसे जोड़ा जाना है। बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी देखने को मिली। आलम कुछ यूं रहा कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अब और ज्यादा सख्त हो गई है। यही कारण है कि आज सुबह बिहार के विभिन्न जेलों में छापेमारी की गई। अचानक हो रही छापेमारी को देखकर जेल में भी हड़कंप मच गया। इस दौरान कई जिलों के DM, SP सहित तमाम बड़े अधिकारी के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने जेल के अंदर रेड किया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खगड़िया, बेगूसराय, सिवान, अररिया और वैशाली सहित कई जेलों में छापेमारी की गई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जाप प्रमुख की हुई पेशी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज आचार संहिता मामले में पेशी लगाई है। इसको लेकर ही आज सुबह वो कटिहार पहुंचे थे, जिसके बाद ही न्यायालय ने इसको लेकर सुनवाई की। 2019 में पप्पू यादव को इस मामले में कोर्ट से जमानत दी गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव ने बताया कि साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब इनकी मां चुनावी मैदान में उतरी थी, तब कटिहार के कोढ़ा थाना में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यह मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत तो मिल गई थी, लेकिन जिसको लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि फिलहाल न्यायाधीश महोदय ने जमानत दे दी है, समय पर पेशी होने के लिए अब उन्हें कहा गया है। बिहार में सड़कों की कितनी जरूरत, पता लगाएगी सरकार। बिहार में सड़कों के जीर्णोद्धार का काम जोर शोर से पहले से ही किया जा रहा है। हालांकि बिहार के किन किन इलाकों में सड़कों के जीर्णोद्धार या निर्माण की जरूरत है, इस पर जोर देने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर हाल ही में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों ने हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष पहल की है। सभी धर्म समुदाय के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर पक्की गली नाली का निर्माण आदि करवाया गया है। अब
इन सब के मेंटेनेंस का काम भी किया जाएगा। पूरे बिहार में अभी कितनी सड़कों की और जरूरत है, इसको लेकर सर्वेक्षण का काम शुरू होने वाला है, जिससे आवागमन को और बेहतर और सुगम बनाने का काम किया जा सकेगा। अब लालू यादव की भागलपुर बांका कोषागार मामले में होगी पेशी। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों राज्य की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी पाते हुए लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही इसको लेकर 5 साल तक की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं अब एक और मामले में उनकी पेशी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भागलपुर बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की 25 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। बीते 16 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट ने भागलपुर बांका कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। भारत बनाम श्रीलंका सीरीज का आगाज 24 फरवरी से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा। हालांकि इस बार सीरीज में कुछ मुख्य खिलाड़ी टी20 सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है, तो वहीं दीपक चाहर चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है। उधर श्रीलंका टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारकर भारत में आ रही है। हालांकि सीरीज का आखिरी मैच जीतकर उनकी टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। टीम इंडिया में शानदार खिलाड़ियों की वापसी भी हो रही है, जिसके बाद अब ये मैच आज 7 बजे शाम को शुरू हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, नॉलेजेबल पॉप, बबलू मरांडी, निकिता कुमारी, परवेज आलम, गजेंद्र सिंह, उमाशंकर, कुश कुमार, प्रियंका शर्मा, ज्योति कुमारी, अंकिता कुमारी, मनीष कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, महादेव पासवान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए जाने के प्रयास से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।